sir, today I'm going to tell you about the basics of the sketching, especially the basics of still life. तो still life के आज हम basics के लिए सीखेंगे कि still life कैसे बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी बोलते हैं स्मृति चित्रण बोलते हैं, इसको हम बेसिक्स सीखने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉट्स से। तो पॉट्स का बेसिक्स क्या है, आइए लेट्स सी। अगर हम पॉट्स के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं तो जितने भी पॉट्स हैं उन सबको बनाने के लिए पहले हम एक सेंटर लाइन खींचते हैं, और उनके ऊपर और एक नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। साइड्स के किनारों को हल्का सा इस तरीके से कट करते हैं, कर्व शेप देते हैं, एक नीचे निशान लगाते हैं इस तरीके से, और ये कर्व बनाए हैं इसको हम एक निशान ऊपर एक निशान नीचे और इसको यहां से मिला देते हैं। इन द सेम वे हमने जो लाइंस खींची थी इधर सेकेंडरी लाइंस सेकेंडरी लाइंस से बाद इसको हम यहां से हटा देंगे इधर रख कर। अब ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये स्टिल लाइफ का बेस है। ओके, ये सिलेंडर हमने बना दिया। अब जो भी चीज बनती है पॉट्स में वो इसी प्रिंसिपल पर बनती है। आज हम जो बना रहे हैं वो एक कॉफी मग बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉफी मग का बेस बन गया, इसमें हैंडल लगा दिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो चाहे तो थोड़ा सा इसको नीचे और जरा सा इसको और राउंड इसके बेस के। किनारों को हल्का सा कर्व के शेप के लिए तरीके से ये लाइन है, एक लाइन यहां पर निशान लगा दे बराबर होगी पर ऊपर से नीचे। ये देखिए यहां से निशान लगाया तो ये ऊपर हो जाएगा निशान, ये सेंटर में नीचे आएगा नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा निशान के ऊपर मिला बिंदी होगी। ये आपका कॉफी बार तैयार। ओके, अब सुन शेड, शेड का हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेड अपोजिट लगता है मुंह के अंदर और बाहर, ठीक। अगर मान ली मुंह के अंदर हम लेफ्ट से शेड लगाएंगे तो बाहर राइट से शेड लगेगा। शेड के दो काम होते हैं, एक तो छाया और प्रकाश का ध्यान कराना, राइट एंड शेड के बारे में बताना। दूसरी चीज क्या होती है, जो हम कोई एक स्टिल लाइफ का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का वास्तविक शेप को निकालना कि वो कैसा है, वो कर्व है, वो वर्टिकल है, वो ओरिएंटल है, जो भी है उसका वास्तविक शेप को आकार को निभा निकालना। तो हम शेप कैसे होता है, उसके पैरेलल शेप लिखता है। अभी हल्का सा कर्व भी मैं शेप कर्व भी बनाएगा, सारा काम आपने जो है पहले बताना सके गए, सारा काम आपने जो है 6B की पेंसिल से करना। मोटे लेड की पेंसिल होती है, सॉफ्ट लेड होता है, पेंसिल बनाते समय ध्यान रखेंगे नहीं तो पेंसिल बड़ी जल्दी टूट जाए। शार्प पेंसिल ना बनाएं, उसके लिए ब्लेड से बनाएं या शार्पर से बनाएंगे तो बहुत हल्के हाथ से धीरे।
ये सारे काम 6B की पेंसिल से करना है, ठीक है? ओके, तो हमने अभी जो शेड लगाया हमने कोर के पैरेलल लगाया, लाइंस के पैरेलल शेड लगाया, कर्व शेड था तो कर्विकल शेड लगाया, ओके? हैंडल में शेड लगाएंगे थोड़ा सा, ओके? इन द सेम वे नीचे शेड लगाएंगे, ओके? थोड़ा सा लगाना चाहिए यहां पर भी लगा देना शेड के लिए, रबर टेस्ट करके इरेजर और इरेजर से स्क्रब का साफ तरीके से हमारा फॉर्मूला यहां पर बनता है। अब इसी चीज को मैं आपको पेपर पर 6B पेंसिल से बनाकर दिखाता हूं, जिस तरीके से जिससे आप अच्छी तरीके से इसको सीख सकें। ओके, तरीका वही रहेगा जैसे आपको बताया था, बीच में पहले एक सेंटर लाइन खींचिए, ये लाइन जो है लगभग 5 से 6 इंच की होगी, क्लियर? इसके ऊपर एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और एक नीचे, आप चाहें तो ये लाइन स्केल से खींच भी सकते हैं, रूलर से। कोशिश करिए कि रूलर का यूज कम से कम करिए, स्टिल लाइफ में हम लोग रूलर का यूज करते नहीं है, अगर आप नहीं खींच पा रहे हैं सीधी तो कर लीजिएगा, ठीक है? ये दोनों साइड डिस्टेंस कितना रहेगा, लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच इसका डिस्टेंस रहेगा, बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिएगा ऊपर नीचे, ठीक है? ये निशान हमने दो लगा लिए बराबर दूरी पर नीचे, क्या करा दोनों निशानों को, दोनों को से लाइन यहां पर मिला दी आपस में, मैंने जैसे बताया ये काम आप स्केल से रूलर से भी कर सकते हैं, ठीक है? अब पहले भी कर्व कर सकते थे, पहले नहीं करा हमने, बाद में किनारों को हल्का सा कर्व कर लिया, एक ही बात है, ये भी कर्व करा और इसको नीचे वाले बिंदु से मिला दिया, जो कर्व करा था एक ऊपर निशान लगाया, कुछ दूरी पे निशान नीचे लगाया। जितने भी हम स्टिल लाइफ की चीजें बनाते हैं और खासतौर पर पॉट्स बनाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, ग्लास है, भगोना है, मग्गा है, जग है, कॉफी मग है, कप है, जो भी चीज है पॉट्स में, उनका बनाने का बेसिक यही रहता है जिस तरीके से मैं आपको बना रहा हूं, ठीक है? अब क्या करते हैं, जो सेकेंडरी लाइन्स हैं उनके लिए हम रब कर देते हैं, उनको हम यहां से हटा देते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए थी, वो हटा देते हैं, उनके लिए पहले भी हटा सकते थे बाद में हटा दिया आपने। अगर आप बगैर सेकेंडरी लाइन के बना सकते हैं तो बगैर सेकेंडरी लाइन के बना लीजिए। ये तो मैं जो स्केचिंग सिखा रहा हूं दिस इज फॉर बिगनर्स, ये बिगनर्स के लिए है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए सिलेंडर जैसा शेप बन गया, ठीक है? अब क्या कर हमने, ये कॉफी मग लगभग तैयार हो गया है, हमने इसमें हैंडल दे दिया, एक हैंडल दे दिया, ओके? ये कॉफी मग हमारा बन गया। अब हम इसको शेड देंगे, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि जो मुंह और बाहर जो है अपोजिट शेड दिया था, मुंह के अंदर हम लेफ्ट साइड से शेड दे रहे हैं, किनारों पे सबसे ज्यादा होगा और बाहर की ओर शेड कम होगा। शेड देने का तरीका वही है, जैसी कोर है कोर के पैरेलल दिया जाएगा, कोर वर्टिकल है तो वर्टिकल शेड दिया जाएगा, कोर जो है कर्विकल है, अगर कर्व है कोर में तो कर्व के लिए शेड देंगे, कर्व के अनुसार ही शेड देंगे, गोल है तो गोलाकार शेड देंगे, क्योंकि शेड के लिए दो काम होते हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एक तो छाया और प्रकाश का ज्ञान कराना, दूसरी बात जो आपके वस्तु है, जो आर्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के वास्तविक आकार को उभारना। अगर कोई चीज हल्के से गोल है, वृत्ताकार है, कर्विकल है, तो वैसी लगे हो, और ये काम कौन करता है? अब हम कागज से उठा तो सकते नहीं है ना, तो ये काम कौन करता है? ये काम ये शेड ही करता है, कि अगर कर्व है तो कर्विकल शेड लगाइए, गोल है, वृत्त है, सर्कल है, तो सर्कुलर शेड लगाइए, और अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल शेड लगाइए, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल शेड लगाइए, जैसी कोर है उसके पैरेलल शेड लगाइए, इस तरीके से। शेड को आपने रब कर लिया। अब देखिए हल्का सा इसको ये रब कर दिया तो ये इस तरीके से शेड लग गया।
यही थोड़ा सा फिंगर ली और हल्का सा इसके लिए यही हैंडल पे रब कर दिया, ठीक है। अब शेड को जरा सा डार्क करेंगे, इस तरीके से शेड जो हमारा ये डार्क हो गया, ठीक है। हल्का सा शेड जो है हैंडल में भी लगा देंगे, पेंसिल बहुत हल्का चलाएंगे, ये तो पेंसिल के टूटने का डर रहता है। हल्का सा शेड ये लगा दिया, ओके। ये कॉफी मग आपका लगभग बन गया है। अब शेड को हम डार्क कर लें जरा सा, कोर्स को सही कर लें, क्लियर कर लें। हाथ उल्टा पड़ रहा है, शीट को घुमा दिया। ये लाइन आप अगर सीधी नहीं खींच सको तो आप स्केल से खींच सकते हो इस तरीके से इसके लिए। तो देखिए ये आपका कॉफी मग बन गया। हल्का सा क्रॉस शेड लगाना चाहें और सुंदर दिखाना चाहते हैं आप इसमें क्रॉस शेड लगा सकते हैं। स्लैंट करेंगी लाइन्स इस पे शेड्स की, ठीक है। अब स्ट्रेट शेड लगाना चाहे थोड़ा सा स्ट्रेट शेड लगा दें इस पे जरा सा, सुंदर और दिखाना चाह रहे हैं तो एक डबल लाइन बना सकते हैं इस पे। इस तरीके से ये आपका कॉफी मग बन के तैयार हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे इधर उधर गंदा हो गया, तो उसके लिए हमने क्या करा, इरेजर को लिया और हल्का सा इरेजर इस पे साइड से ये मार दी इरेजर। इरेजर भी शेड दे देता है, देखिए ये इरेजर का शेड आया। अब अगर इस कप का आप शेड शीट पर देना चाह रहे हैं तो हल्के से कप का शेड जो है शीट पे भी दे सकते हैं, बहुत हल्के से, लाइंस ऐसी हों जो विजिबल ना हो, दिखाई ना दे, हल्का सा शीट में ही इसके लिए मिला दें बिल्कुल इस तरीके से। ये हो गया आपका कॉफी मग जो है ये तैयार हो गया। देखिए कैसा लगा वीडियो आपको, बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे जो जो नई वीडियोस मिल रही हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।